उधर यूपी एटीएस ने धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह दावा है कि इस मौलाना के ट्रस्ट को धर्मांतरण के लिए विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही थी। एक हसीन गुलदस्ता है गंगा। जुबा पर एकता का पैगाम और दिल में जहर का जाम लिए ये मौलाना कलीम सिद्दीकी हैं। आप जानकर चौंकेंगे कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की ये उम्दा सोच दिखावा है, छलावा है, असली सोच बेहद खतरनाक है। मौलाना पर आरोप है कि वो लोगों को प्रभावित कर शरीयत व्यवस्था लागू करने और जनसंख्या अनुपात बदलने के लिए बड़े स्तर पर धर्मांतरण करवाते हैं। मौलाना कलीम ने इस काम के लिए एक ट्रस्ट बनाया है। इसी ट्रस्ट की आड़ में वो पिछले 15 सालों से लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। एटीएस को अब तक मौलाना के ट्रस्ट को 3 करोड़ की फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसमें से 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से मिले हैं। मौलाना मदरसों की आड़ में लोगों को जन्नत और जहन्नुम जैसी बातों से भी बरगलाता था। और अब आपको एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, जिसमें आप सुनेंगे कि कैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसा रहा है। मशवरा था ना, एक जोड़ दिए उसमें ही आ जाओ ना, जोड़ में आ जाओ तो ढाई तो हो ही आ जाना तुम। 28, 29, 30 का जोड़ है, 28, 29, 29, 30 पूरे मुल्क का जोड़ है ना दाइयों का हमारे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और इसके चक्कर में दावत को मत भूल जाना, इससे तो और दावत के काम के लिए इसे इस्तेमाल करो, बहुत बड़ा काम होगा। हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम, अल्लाह के फजल से मैं कह रहा हूँ, दावत के लिए मैंने अपने आप को अल्लाह के यहाँ वक्फ कर दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।